सर, एम्ब्रियोस कब इम्प्लांट होता है यूट्रस में? तो एम्ब्रियो ट्रांसफर हम लोग यूजुअली डे 3 यानी कि 8 सेल स्टेज पे करते हैं, या फिर डे 5 यानी कि ब्लास्टोसिस स्टेज पे करते हैं। हमारा रिकमेंडेशन हमेशा डे 5 ट्रांसफर का रहता है, यानी कि ब्लास्टोसिस स्टेज पे ट्रांसफर करने का रहता है। उसका कारण ये है कि डे 3 में हमको बेसिकली एम्ब्रियो की क्वालिटी तो पता चल जाती है, लेकिन कौन से एम्ब्रियोज आगे बढ़ने वाले हैं और वो आगे जाके ब्लास्टोसिस बन सकते हैं और इम्प्लांट हो सकते हैं, ये हमको डे 3 में मालूम नहीं होता है। तो इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर कि हम लोग डे 5 तक एम्ब्रियोज को कल्चर करें, और उनमें से जो ब्लास्टोसिस बनते हैं उसमें से बेस्ट एम्ब्रियो जो है वो ट्रांसफर के लिए सिलेक्ट करें। तो जब हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के लिए कैथेटर का यूज करते हैं हम लोग। तो एम्ब्रियो को या ब्लास्टोसिस को हम लोग इस कैथेटर में लोड करते हैं, और ये यूट्रस में सर्विक्स के द्वारा हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, और यूट्रस में गर्भाशय की जो लाइनिंग होती है उसमें हम लोग प्लेस करते हैं। और एम्ब्रियो अंदर प्लेस करने के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है वो हैच होता है। हैच होता है यानी कि उसकी जो शेल है, जिसे हम लोग जोना पेलेसुडा कहते हैं, उसमें से वो बाहर आता है और फिर उसमें यूट्रस में इम्प्लांट होता है। ये जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है इसको 3 से 4 दिन लगते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद।